देख रहे हैं जीडीएस न्यूज़ 20 पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आजमगढ़ तरुआ थाना क्षेत्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, पुलिस की लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। ताज़ा मामला फतनपुर गांव का है, जहां दो बच्चियां दबंग मचलने से परेशान है। स्थानीय पुलिस को कई बार शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन पुलिस है कि कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे परेशान बच्ची आयो ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और दबंग मंचल्ले के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। तरुआ के फतनपुर गांव की रहने वाली दोनों बच्चियां आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। इन्होंने स्थानीय पुलिस पर दबंग मंचल्ले को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बच्चियों का आरोप है कि कुछ गोलबंद तरीके के दबंग व्यक्तियों द्वारा लगातार उनके साथ छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उन्हें तंग किया जा रहा है। थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर वे आज एसपी से शिकायत करने आई है। बच्ची आयु ने बताया कि घटना में शामिल दबंग आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 20 फॉर ब्यूरो आजमगढ़, सरफराज अहमद की रिपोर्ट। क्या मामला है यहाँ आई हो? यहाँ मामला ये है कि हम लोग आए हैं, हम जा रहे थे खेत पे दोनों बहने अपने बाबा को खाना पहुँचाने शाम 5 बजे, तो कुछ 4 लोग हैं जो लोग छेड़ रहे थे, ये किचन छेड़ कर रहे थे। अच्छा, तो विरोध करने पे क्या किए हैं? विरोध करने पे यही कि हम लोग तरवा थाना गए अपने थाने पे, एप्लीकेशन डाले वहाँ पे, वो लोग हम लोगों को थाने पे बैठाए, मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हम लोग थाने पे गए तो वो लोग हम लोगों को सुनवाई नहीं किया, और मैं अपने घर पे बोली मम्मी से, तो मम्मी ये कहने के लिए कि देखिए मना कर दीजिए, आपका लड़का ये सब कर रहे हैं लोग, तो वो लोग मम्मी को भी मारे, हम लोगों को भी मारे। मार करके वहाँ पे गए तो थाने को सुनवाई नहीं सुनवाई। अब क्या चाहती हो? अब चाहते हैं यही कि वो लोग कार्रवाई हो और उन लोगों को सबक सिखाया जाए। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 20 फॉर भ्रष्टाचार के खिलाफ।